कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात होती है हमारी, क्योंकि घर पे आपकी भी मदर होगी, सिस्टर होगी या आप खुद हो, तो मुझे लगता है ये चीज मुझे बड़ी बुरी लगी कि आप किसी के बारे में बोल रहे हो, तो ये फटा हुआ नहीं है, ये बचपन से ही ऐसा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज है सोमवार। काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप डेट और दिन भी बताया करो, तो डेट तो आपको पता चली गई होगी, आज है मंडे। और आज आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले जाते हैं मंदिर, तो हमने सोचा कि सबसे पहले मंदिर जाते हैं और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी को तारा देवी माता के दर्शन, जय हो तारा देवी माता, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज मौसम है काफी अच्छा, तो आज हम लोगों ने बाहर भी जाना है, कहाँ जाना है वो आगे आगे व्लॉग में आपको बताएंगे। तो हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, आप सभी लोगों को माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं सेकेंड राउंड के लिए, और सेकेंड राउंड ये है कि हम लोगों को मॉल रोड जाना है, वहाँ पे हमें थोड़े से काम है वो करके आना है, जो हो नहीं रहे पिछले दो बार चले गए हैं, हाँ। इस बार शायद हो जाए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि जिप्सी का भी थोड़ा सा काम है, वो भी आज टाइम मिलता है तो वो भी करवाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले मॉल रोड पहुँचते हैं। चलो, धूप इतनी तेज है, मैं तो छाता ले गई हूँ आज। हाँ, छाता जरूरी था यार, क्योंकि डायरेक्ट धूप है ना। अपने से तो हमने कोशिश करी है कि हम जल्दी निकल जाएं, क्योंकि दिन के बाद 12 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा धूप तप जाती है, पर अब पता नहीं क्योंकि निकलते निकलते लेट तो हो ही जाते हैं, अब घर पे सब कुछ वाइंड अप करने के चक्कर में। तो अभी हम लोगों का टास्क तो ये है कि आज वो जो काम है वो हो जाना चाहिए। वैसे तो दो तीन काम है, तो जो एक है वो इम्पोर्टेंट है, वो हो जाना चाहिए, बस उसका मेन है। और कई लोग बोल रहे थे ना कि आप लोग को इतनी 24 डिग्री में ही, हमारे लिए यही बहुत है, क्योंकि इतने सालों से मैंने इतनी गर्मी सच में नहीं देखी है, ना ही शायद आदत है। मैं अक्षय को अभी बोल रही थी, मैं कहा मैं ऑफिस भी जाती थी, इतना मतलब वॉक करती थी, आई थिंक कितना किलोमीटर होगा, 10-12 किलोमीटर शायद वॉक होगा, पर इतनी गर्मी नहीं लगती थी। इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है, एक तो ढंग से स्नोफॉल भी नहीं हो रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश तो वैसे हो ही जाती है, पिछली बार भी बहुत ज्यादा हुई है, पर यहाँ पे ये होता है कि हमारी अपर साइड अगर स्नोफॉल अच्छे से हो जाती है ना, तो पूरी साल अच्छे से निकल जाती है। पर और इस मौसम की मार जो है ना डायरेक्ट एप्पल पे पड़ेगी, तो इस बार सेब मतलब रिस्की है, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, कैसे होंगे, कम शमी है इस बार सेब देखा जाए तो बड़ा मुश्किल होने वाला है जब तक मार्केट तक सेब पहुंचता है ना। जैसे अभी इतना सूखा है, नमी नहीं है, तो सेब सूख जाएगा, उसमें टेस्ट नहीं होगा, तो काफी सारी दिक्कतें फार्मर्स को आने वाली है। आज भी हमें पार्किंग जो है ना 5th फ्लोर पे मिली है, इट मीन्स कि काफी ज्यादा लोग मॉल रोड पे होंगे, क्या बोलते हो, क्या अनुमान है? हाँ, ताकि ऊपर खाली रहे। हाँ, अच्छा, ऐसे ही करता है क्योंकि दो फ्लोर में ना खाली थे और अंडे मसाला रखे थे, जाम ही लगता है। चलो देखते हैं यहाँ से दिख जाएगा। चलो, पर टूरिस्ट तो होंगे, होगा ही होगा। अभी मॉर्निंग टाइम है तो अभी ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे, पर स्टिल काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग में जितने लोग होते हैं। तो टूरिस्ट कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि छाता लाने का सही डिसीजन है? हम भी चलो अभी, क्योंकि ना मैं ऐसे चला नहीं जाता, छाता थोड़ा सहारा देगा। ये है कि डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा बेटर। तो अभी चलते हैं डीसी ऑफिस, देखते हैं काम होता है कि नहीं। उज्ज्वल का भी फोन था, उसको भी आना था, उसने पर काम दे दिया हमें 2-3, तो वो भी करेंगे। क्या बात है, मॉल रोड पहुँचते ही सरप्राइज, तो लगता है यहाँ पे न्यूज़ चैनल वाले आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाह नाइस। तो हम लोग मॉल रोड तो पहुँच चुके हैं, बढ़िया धूप लगी है, मस्त मॉल बना हुआ है। और नेहा छूट गई पीछे, मैं आगे नहीं गया। धूप बहुत है ना। आप पीछे कहाँ रह गए थे? अरे देखो, जो लोग हैं ना वो सारे साइड में बैठे हुए हैं, चल कोई नहीं रहा, क्योंकि इस तरफ को धूप लगी है, इस तरफ को पेड़ ही पेड़ है, तो छाया मिलती है, तो बैठने के लिए काफी अच्छी जगह। और आगे है बिगल छोटा। हेलो। क्यों, मुझे लगता है अब तो आपको भी याद होगी होगी ये सारी गलियां, है ना? तो आज देखते हैं होता है काम कि नहीं। अब तो हाँ, लास्ट है उम्मीद हमारी, इसके बाद थोड़ा नहीं हुआ तो फिर देखते क्या। हाँ,
तो फाइनली भाई अपना काम हो गया। yes. तो इस चीज की खुशी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने चक्कर लग चुके थे। पिज्जा खाना है, नेहा का कब से मन है कि पिज्जा खाना है। चलो अभी छोटे मोटे और भी काम है वो भी करते। नेहा का मन है पिज्जा खाने का, तो हम लोग सोच रहे कि डोमिनोज से ही खा लेते हैं। तो आज गए नहीं हमने और तो सोचा हम यहाँ जाते सुबह सुबह ही पिज्जा खा लेना है। भाई चलो ठीक है चलो। आज ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह ही हम लोग पिज्जा खाने आ गए। अब मेरे को याद आया इस फेस को देख के कि हम पहले भी आए। मैं शायद दीदी शिवम मुझे अच्छा आए दिव्या बने थी थे हम सब थे। अब याद आया ये वाली स्पेस थी। बस फिर हम लोग वापस चले जाएंगे फिर टाइम नहीं मिलेगा। और एक्चुअली हमें जो काम है ना वो ऐसा है कि थोड़ा मॉल पे करना है, फिर उज्जवल ने भी दिया, फिर लोअर बाजार भी जाना है, गंज भी जाना है, फिर हाँ नेहा का भी काम है, फिर हमें गाड़ी घर छोड़नी है, फिर जिप्सी लेके जाना है। हाँ तो आज जिप्सी तो फिर बोल रहे पिज्जा मत खाओ, क्या खाएंगे फिर, भूख लग जाएगी। चलो कोई नहीं खा लेते हैं। तो हमारे अलावा कुछ लोग ही है जो पिज्जा के शौकीन अभी पहुंचे हैं। तो है। कैसे अभी सुबह है ना, तो अब खुद बोल रहे अभी सुबह नहीं है, अब बोल रहे सुबह नहीं, जरूरी नहीं है ना, सिर्फ यहाँ अलग अलग जगह में अलग अलग टेस्ट। पर अभी ऐसा कि शाम तक क्राउड ज्यादा रहता है, अभी तो 12-1 बज रहा है ना, तो अभी तो कम नहीं होता है। दिन भी है ना, गर्मी भी है, तो बाहर घूमने का भी मजा नहीं है। 3-4 बजे के बाद लोग आना, अब हमारा ऑफिस का काम था इसलिए हमें सुबह आना था, फिर वैसे हम भी आराम से आते। तो हमने छोटा ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया क्योंकि दो ही बंदे इतना हम खा नहीं सकते, साथ में गार्लिक ब्रेड देख के तो मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी चीज़ी डिप भी आने बाकी है तो इसको बाद में खाएंगे, पहले खाते हैं पिज़्ज़ा। ये डाल दो इसके अंदर ऑरिगेनो वगैरह। कैसा लगा पिज़्ज़ा आपको, होगी इच्छा पूरी? मेरे को तो देखो बहुत अच्छा लगा, मेरा इतने टाइम से मन था, संतुष्टि होगी पेट को आज। मेरे को तो नहीं अच्छा लगा, मतलब ठीक ठीक था, झूठ क्यों बोल रहा है। वक्त वक्त की बात है, इस टाइम मेरा मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। अक्षय का इनका वैसा कभी भी नहीं करता है, मैं जंक फूड वैसे भी कम खाता हूँ, साथ ये वैसे ही खा लेता हूँ। मेरे साथ के लिए शिवम उज्जवल वो भी खा लेते हैं। हाँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे गेंदा मल एक शॉप है वहाँ पे। हाँ। उज्जवल का सामान लेते हैं फिर लोअर बाजार को उतरेंगे, क्या बोलते हैं? गंज वाला मैं सोचूं मन नहीं अभी, गर्मी बहुत है, मन नहीं बना जाने। चलो अभी देखते हैं कैसा क्या, पहले क्योंकि रहने देते हैं मम्मी, अगर बनाएंगे तो फिर घर वाला ज्यादा अच्छा, बाकी देखते हैं क्या होता है। क्या लेना? सीरा। वो क्या होता है? वो गेहूं के आटे का बनता है। अच्छा, टाइप ऑफ बाड़ी जैसा ही होता है वो भी। अच्छा, पर वो अच्छा। चलो उसको बीच में आके फिर ले लेंगे। हाँ, केमिस्ट तो हमारे को यहाँ पे मिल चुके हैं और यहीं आगे है गेंडामल हेमराज, तो हमने यहाँ पे भी जाना है, पहले उज्जवल का सामान यहाँ पूछ लेते हैं। तो उज्जवल की भी एक आइटम हमें मिल चुकी है, अब हम जा रहे हैं लोअर बाजार। तो मॉल रोड से एक अच्छी चीज़ ये है कि लोअर बाजार के लिए ना हर तरफ से सीढ़ियाँ उतरती है, तो हाँ शॉर्टकट, हाँ चढ़ने के लिए दिक्कत होती है पर उतरने के लिए ठीक है। अब हम सीधा यहाँ नीचे लोअर बाजार पहुँच जाएंगे। चलो अब हमें क्या है, एक और काम है वो जो का है। और फिर उसके बाद हम लोग सोच रहे कि स्टूडियो 7 भी जाते, एक बार ही पूछ लेते अपने फ्रेम्स बने हैं कि नहीं। अब तो मुझे लगता है दूसरी शादी भी आ जाएगी भाई। हाँ, किसी और की। चलो देखते भैया क्या बोलते, बने फ्रेम्स की नहीं, वीडियो बनी है कि नहीं। जो उज्जवल ने मंगवाया था वो तो नहीं मिला, पर दूसरी कंपनी में वो चीज़ मिली। तो अब हमारा एक और काम है स्टूडियो 7 के पास जाना, अब हम वहीं को ही बढ़ रहे हैं, चढ़ाई में चल रहे हैं। आप छाता क्यों नहीं खोल रहे? लोग बहुत चल रहे हैं ना, लग जाता है धक्का किसी की आंख में लग गया। हाँ ये भी सही बात है, आगे को खोलेंगे। तो भाई बढ़िया मज़ा आ गया आज, सारे काम वो हम बाद में आगे कर देंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ा बहुत आगे जाना पड़ता है, गर्मी बहुत है। तो अभी हमने सोचा कि ये इतना ही करवाते हैं, फिलहाल अभी घर की तरफ को चलेंगे, देखते हैं अभी जिप्सी लेके भी जाना है, हिम्मत रहती है कि नहीं। हाँ क्योंकि आज अभी तक तो फिलहाल सारे काम हो गए, एक हमने वैसे ही छोड़ दिया, वो बाद में करेंगे। चलो जी अब हम हैं फ्री। तो यहाँ पे अभी बात हुई भैया से, अभी इस हफ्ते बोल रहे, आई होप इस हफ्ते मतलब इस हफ्ते ही हो अगले हफ्ते तक मैं। तो अभी हम लोग यहाँ से तो फ्री हो चुके हैं, सबसे पहले घर निकलते हैं। हाँ। और वहाँ से देखते हैं कि जिप्सी का कैसे बनता है, क्या बनता है। बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं थक गया हूँ गर्मी। चलो देखते हैं पहले, चलो हाँ। पहुंचते हैं क्या बनता है। तो हम पार्किंग में तो पहुँच चुके हैं, L5 सबसे लास्ट फ्लोर है, यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं है। और देखो जब मैं आया था यहाँ पे पूरी जगह खाली थी, अब धीरे धीरे पूरी गाड़ियाँ भर चुकी है। अभी भी लिफ्ट में पार्किंग के पास यहाँ पे फेस्ट लगाया, आप लोग आ सकते हो इन्जॉय करने।
और आज पता नहीं क्यों इतना जाम है, समझ में नहीं आ रहा। तो हमारा जिप्सी वाला प्लान आज के लिए तो फिलहाल कैंसिल हो चुका है, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है और अगर अभी लंच करने घर जाएंगे और मेरी मेडिसिन का टाइम भी हो चुका है तो 3-4 बज जाएंगे और भाई से बात हुई थी तो थोड़ा टाइम तो लगेगा गाड़ी में। अच्छा, आपने और भी करवाना है? हाँ, थोड़ा सा काम कराना है, वो तो सिर्फ वही नहीं है कि तार लगानी है। मेरे को लगा तार के लिए 4 घंटे। नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा और मैं सोच रहा हूँ काम करवाऊँ इंटरनल गाड़ी का, तो उसमें लगेगा टाइम। हाँ, उसमें तो लगेगा। तो मेरे ख्याल से आज ना जाके कल सुबह जाके फायदा है, ताकि हम दिन तक फ्री हो जाए। पिछली बार जब मैं कोई मोटर से गई थी तो मेरे को बहुत सर में दर्द हुआ था, सारी रात नहीं सो पाई थी, तो इसलिए सोचा कि कल सुबह सुबह निकल के 3-4 घंटे आराम से निकाल लेते। और एक और काम भी है अभी, ये जो वैगनार है इसकी भी सर्विस कराने को है, दो गाड़ियाँ, तो देखते हैं कब टाइम लगेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। गांव जाने से पहले तो हम करवाई देंगे। हाँ, तो हम घर पहुंच चुके हैं, तो मैं सोचा उज्ज्वल का सामान उज्ज्वल को दे देता हूँ। हाँ जी उज्ज्वल भाई, कैसे हैं? लो सर आपका सामान, पहले चेक कर लो वो है भी है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो आप बोलोगे ये तो था ही नहीं, वो तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये मैंने पूरी मार्केट में पूछा, मॉल में भी और लोअर बाजार में भी, ये कहीं नहीं मिला, एक ही शॉप में मिला, वो भी अलग कंपनी का, वो भी एक ही ये पीस लास्ट, वो ऑन ऑर्डर। हाँ, तो ऑन ऑर्डर बोल रहे थे कि ऑन ऑर्डर आ जाएगा, पर फिर टाइम कितना लगेगा वो नहीं पता। और वो पीछे से जहाँ फोन किया ना, जहाँ सप्लाई आती है वहाँ से वो मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये तो ठीक है, चलो धन्यवाद भाई जी। और बाहर भाई साहब तापमान इज वेरी हाई, तापमान तो ना तो किस तरह, बिल्कुल। मम्मी पापा? मम्मी पापा गाँव, मम्मी भी कब, आज क्यों? सुबह सुबह निकले कुछ सडन प्लान, काम आ गया था बगीचे में। ठीक 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 ठीक। तो भाई देखो, जैसे एक बंदा बीमार हो जाता है तो उसको मिलने तुरंत हमारी टीम पहुंच जाती है। कैसे हो जाती है बुआ, कैसे आप? ठीक है बेटा, बढ़िया। ठीक है, स्कूल से आप आज जल्दी आ गए? नहीं जल्दी तो नहीं आई, आई तो मैं अभी थी। हां, मैंने कहा चलो थोड़ी देर में जाते हैं, मैं कहा हाल चाल पूछा जाए, कहां चला है थोड़ा गड़बड़। आज तो फिर भी सुन रहा है, नहीं तो फिर है करना पड़ता है। मेरे साथ ऐसी खप हुई, वहाँ पे हम लोग जब मेडिसिन ले रहे थे ना, तो वो कुछ बोल रहे थे, मैंने कहा यार क्या बोल रहे, अब मैं फिर नेहा को बोल, मैं सुन तो सही भाई अगला बोल क्या रहा है। वो तो नहीं, वो तो दवाई डाली होगी। हाँ, तो उससे तो और भी, तो फिर उन्होंने वो बोल रहे थे कि ये वाली दवाई नहीं है, कोई और लिखा के आओ। फिर मैं कहा अच्छा अच्छा ऐसी बात है। पर एक चीज है यार, के या तो आपको पहले से नहीं सुनता हो ना तो अलग चीज होती है, पर अचानक से जैसे कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा हो जाए ना, तो मैं खजल ही रहता हूँ, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता रिएक्ट कैसे करना है, सुन रहा है कि नहीं, और मैं बहुत ऊंची ऊंची भी बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता लग रहा है, फिर ये बोलते हैं कि आराम से बोलो आराम से। पर बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है, सॉफ्ट हो जाएगा ना इससे। हाँ, पर अभी तो काफी हद तक ठीक है, 2 मिनट में हो जाता है। हाँ, वो तो यही बोल रहे थे, अगर तो कोई दर्द है ना इस वजह से, इन्फेक्शन होगा अंदर, नहीं तो हो जाना था, नहीं तो हो जाना था। अब हो सकता है वो मे भी शायद जैसे कुछ चला गया उस वजह से भी हो सकता है, हमें नहीं पता लगता ना, पर अब परसों पता लग जाएगा। अगर पेन होता तो उन्होंने, हाँ फिर तो उन्होंने बोला था आपका तुरंत काम हो जाना था, पर चलो परसों भी हो ही जाएगा। मामू तो पता नहीं किसको झांक रहे, कैसे आप? मैं ऊपर देख रहा था ना कि नीचे की दुकान खुली है। सामान लेना आपने? नहीं सामान तो नहीं, ऐसे देख रहा था मैं कि क्या है, क्या कौन कौन आ रहा है। इस दरवाजे को खोल के फिर भी फायदा है, थोड़ा सा हवा, थोड़ी हवा तो आती है, गर्मी में तो बहुत बुरा हाल करता है। और सबसे दिक्कत पता है, हवा नहीं चल रही है, धूप है, अगर हल्की हवा भी हो ना चलता है, ऐसी धूप है कि मतलब लग रही है एकदम तीखी, तो बड़ा मुश्किल है। अभी पानी की भी बोल रहे थे बुआ के कमी हो जाएगी, तो पानी की समस्या है तो समझो कि भाई। हाँ, फिर तो बड़ा मुश्किल, अभी बोल रहे थे हफ्ते बाद आएगा, हफ्ता तो हफ्ते तक के लिए सेव रखना बड़ा चैलेंज है। हफ्ता तो क्या, चलो 2 दिन हुए थी, हफ्ता बोल रहे थे ज्यादा ही हो जाएगा। लो जी आपका सामान, तो आज कुछ इस तरह से प्लान है कि बुई मामू शिवा मुजवल और दिव्यम गेस्ट है, आज खाने पे बुलाया है इनको। ये प्लान भी नहीं था, ये हुआ कि बुआ मामू अक्षय को पूछने आए थे, क्योंकि उनके कान में वो था, तो फिर तो शिवम उज्ज्वल के भी मम्मी पापा गए थे, तो हमने सोचा कि बुला देते लड़के कहाँ अकेले। तो वैसे ऐसा ही होता है जॉइंट फैमिली में ना, जब
हम लोग यहाँ पे होते चाचू अकेले होते तो इधर ही खाना खाते वो और जब हम लोग होते तो मैक्सिमम हम लोग इधर उधर ही खाते और हमारे घर में भी खा लेते तो चला रहता है ये हमारे घर में ऐसा नहीं होता है कि इसको बुलाओ या हाँ बुलाओ जिसका जहाँ मन है वो वहाँ खा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे अगर मैं रह रही हूँ तो मैं अपने घर पे खाने पे बुलाऊ नहीं जिसका जहाँ मन कर रहा है तो मम्मा का ये होता है कि चलो हम है तो बच्चों को जब तक हम खिला सकते हैं ये चीज होती है। तो चलो बाकी देखो अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं चलो वो तो लड़के हैं नहीं बना सकते मैंने उनको बोला था तो उन्होंने बोला था कि भाभी आज के लाइक तो दाल बनी है। मैं कह यार इधर ही आ जाओ कहाँ लड़कों को आलस लगती है। तो बुआ मामू अभी चाचा चाची के घर गए हैं वो भी आएंगे फिर बचा दे हम कह यार तू भी आ जा बिल्कुल। तो बस मेरा खाना तो बन ही गया ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं है पनीर बन गया है। हाँ तो बस आप बनाओ तब तक अब बस इसके बाद शायद सब लोग आ भी जाएंगे धीरे धीरे करके। हाँ तो क्योंकि ऐसा होता है अभी आदत नहीं होती है ना जॉइंट फैमिली की तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग नर्वस हो जाती हूँ कि फटाफट खाना बनाने में। हाँ। नहीं आपने जब भी आपने बनाया जब भी लोग आए तो आपने अच्छा ही बनाया और अच्छी तारीफ भी हुई है। आई होप आप आज भी अच्छा बनाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा बाहर से तब तक दूसरा सामान लेके आता हूँ ठीक है। तो अपना खाना तो है रेडी तीन आइटम्स बनी है राजमा बनाए पनीर बनाए और एक येलो दाल है राइस बनेंगे रायता बन चुका है सैलेड हम काट लेते हैं लस्सी भी कर लेते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अपनी तो पूरी तैयारी है अब बस वेट है कि कब सब आते हैं फिर हम लोग खाएंगे। तो अभी पूजा पाठ तो हो चुका है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं सबका। बस अब मैं तो बैठी हूँ क्योंकि खाना तो ऑलमोस्ट बन गया है सैलरी काटना छुपाती रह गई है बाकी अभी सब अपने अपने काम में बिजी है। और कुछ लोगों को मेरे नाक से बड़ी दिक्कत है जनाब ये फटा हुआ नहीं है ये बोल सकते हो आप हमारी दादी पे गया है दादी का नोज भी सेम है इनफैक्ट मेरी कजन का नोज भी सेम ही है। तो एक ही चीज बोलूंगी कि किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करता है इट्स अ बैड मैनर्स। तो आप लोग तो चलो बोलते रहो आप लोग चलो बहुत अच्छे होंगे हमें नहीं बट बॉडी शेमिंग बुरी चीज लगती है। चलो और चीज बोलो वो चीज अच्छी है कभी भी नहीं करनी चाहिए ये बहुत गलत बात होती है हमारी क्योंकि घर पे आपकी भी मदर होगी सिस्टर होगी या आप खुद हो तो मुझे लगता है ये चीज मुझे बड़ी बुरी लगेगी आप किसी के बारे में बोल रहे हो। तो ये फटा हुआ नहीं है ये बचपन से ही ऐसा है और जिससे मेरे से शादी किया तो उसने शायद सब कुछ देखा होगा तो ऐसा तो नहीं करी होगी और मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है यार मेरा फेस ही ऐसा है। अब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है कुछ टाइम में हम आपको बताएंगे कि क्या है तो उसको लेके कई बार मूड ऐसा हो जाता है तो बाकी ऐसा मूड मेरा है नहीं है बाकी कोई बात नहीं आप अपना मूड खराब ना करो इट्स ओके चिल। आज नेहा ने डिसाइड कर लिया था कि ये व्लॉग्स में नहीं आएगी तो फिर मैंने समझाया इट्स ओके लोगों को हाँ, मैंने बोला था कि मैं कल से नहीं आऊंगी क्योंकि मैंने अक्षय के लिए ये सब किया था कि चलो मैं आऊंगी व्लॉग्स बनाएंगे हम लोग अक्षय को जो चीज अच्छी लगती है बट अपनी बॉडी शेमिंग के लिए तो कोई नहीं आएगा कि आप लोग नोज के लिए खासकर फटा हुआ यार ये गलत बात है आपके घर पे खुद भी तो लोग होंगे तो इट्स ओके लोगों का काम है कहना कहने दो और हमें तो अच्छा लगता है और ठीक है सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ होता है इट्स ओके तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है चल मारो मुझे लगता है अब आ गए शायद। तो अभी डिनर में हमारे पास दो ही लोग पहुंचे बाकियों को लगेगा टाइम तो हमने सोचा कि मामू और बुई टाइम से खा लेते हम भी वैसे टाइम से खा लेते पर चलो हम बाकियों का वेट करेंगे तो शुरुआत करेंगे बुई मामू से। गाइज यू आर वेरी लेट पेनल्टी लगेगी डॉक्टर दीप्स टाइम से दे टाइम चला गया चलो कोई बात हाँ ये तू जब बाहर आया ना मैंने सोचा नहा के आ गया कहता नहीं ये तो अब जा रहा है वो मैंने कर ले ज्यादा गर्मी होगी लगता है यार आज मम्मी नहीं थे ना तो थोड़ी वो हो जाता है टाइम खत्म हो जाती है कोई बात ऐसा कुछ नहीं मैं जैसी नहा के इसके लिए बाल्टी रेडी थी नहाने के लिए कोई बात नहीं गाइस अभी सच्चा लगा कैमरे में पहले खा लेते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है ना। तो इसी के साथ अपना डिनर भी हो चुका है समाप्त अब शिवम उज्जवल भी चले गए हैं दिव्यम भी चला गया है और बुई मामू पहले चले गए थे क्योंकि जे आजकल यहीं पे ही है तो उनको टाइम से जाना पड़ता है और वो जल्दी भी आ गए थे इसलिए हमने उनको जल्दी डिनर करवा लिया था। नेहा ने अब जाके सबके बाद डिनर किया है सो स्वीट ऑफर और आज ऐसे ही सबका बन गया क्योंकि सब आए थे
तो प्लान बन गया, सोचा कि चलो डिनर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है, हमारी ना जॉइंट फैमिली है, तो मे भी शायद मैक्सिमम लोगों को शायद ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है, कहीं पे भी खा लो। वो हमारा ऐसा कोई वो नहीं होता कि इसी के घर में खाना है, यहाँ नहीं खाया वहाँ नहीं खाया, हाँ या किसी को बुलाना पड़ता है। अब देखो बुई मामू आए तो ठीक है, आए हमने खाना बना दिया, बात खत्म। तो ऐसा कोई काउंट करने वाला और बारी वाला सिस्टम नहीं है, ये प्यार होता है और इसको ऐसे ही बरकरार रखना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।